आगे जाएंगे। और जुम्मे का दिन है, 12:20 बज रहे हैं इस टाइम, मेरे घड़ी में 12:30 है। तो कोशिश करेंगे जुमा नमाज अगर हम लोग पकड़ सकें तो। यहाँ से 6-7 किलोमीटर 15 मिनट का कहते हैं कि मुसाफिरत है। तो ये हमें कुछ एरिया पार्किंग भी इसका नज़र आ रहा होगा शालीमार बाग का। तो यहाँ से ही हम कोशिश करेंगे कोई हमें यहाँ से कोई रक्शा मिल जाए या कोई गाड़ी मिल जाए। यहाँ पर रक्शे भी अवेलेबल हैं और करीम भी होती है और शिची भी होती है, तो कोई भी आप ले सकते हो ट्रांसपोर्टेशन। हम रक्शा लेंगे क्योंकि रक्शा बहुत तेज़ और फास्ट होता है, वो हमें जल्दी वहाँ पर पहुँचेगा। हम कोशिश करेंगे नमाज भी वहाँ पर अटेंड कर सके और इसके साथ साथ में बादशाही मस्जिद भी आपको देखे। तो जुड़े रहें हमारे साथ। और कि हम किसी रक्शे वाले भाई सामने उसको जाके हम देखेंगे। अच्छा, बादशाही मस्जिद पे कितना लोग हैं? हाँ बस इधर मस्जिद के साथ, हाँ मस्जिद के सामने जो आगे जाना बादशाही मस्जिद के अंदर से भी जाओ। हाँ अंदर जाना बादशाही मस्जिद, अपना शाही किले वाले गेट से अंदर जाओगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कितना देखने जुटा बताया? 250 देखा। 250 बहुत है इधर नज़दीक, 100 रुपये में लोग जाते हैं। आपको नज़दीक लग रहा है ना, 100 रुपये जाओगे ना, जाओगे ना फिर बताना सर। करीम में हम जो जाते हैं उसमें जो है करीम हो रहा है, हम हो रहे हैं। आपका वीडियो भी बन रहा है क्या? वीडियो भी आपका बन रहा है? अच्छा 200 देंगे आपको, सही ठीक है। अच्छा जनाब हम 200 में अंकल के अंकल, आपका नाम क्या? अफजल। अब मोहम्मद अफजल साहब से हमारे 200 में बात हुआ है। तो अभी चलते हैं बादशाही मस्जिद और कोशिश करेंगे शायद नमाज भी पकड़ सके। तो चलते हैं, एक रस्ते में बैठे हैं और बादशाही मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। बादशाही मस्जिद में नमाज जुमा वहाँ पर अदा करें और रक्शे का एक सफ़र आप आना चाहते हो तो रक्शे में भी आप वो विजिट करें, एक अच्छा और ज़बरदस्त तजुर्बा होगा रक्शे में सफ़र करने का। बाची लोहारी, मोती दरवाजा, बाची गेट, बाची दिल्ली दरवाजा, ये सारे इधर ही है। इधर ही है। हम पहुंच गए शालीमार बाग से डायरेक्ट इधर बादशाही मस्जिद, उसकी जो मेन गेट है जहाँ पर जो चेकअप और चीज़ें वगैरह होते हैं। यहाँ पर आपको मास्क वाले भी जगह जगह नज़र आ रहे होंगे और दस्ताने भी बेच रहे होंगे। कोरोना ने जो है चीज़ों को थोड़ा चेंज कर दिया है, दुनिया को चेंज कर दिया है। हम आगे जाएंगे और इस तरह से जो है जी जनाब हम लोग यहाँ पर आए हैं और ये अंकल हमारे साथ हैं। अंकल यहाँ पर क्या क्या मैं जगह देख सकता हूँ इधर, क्या कौन सी जगह देखे? आप बादशाह मस्जिद देखे, अच्छा किला देखे, जूरी बाग देखे, इस्लामा के बाग का मज़ार देखे और मीनार पाकिस्तान भी पाकिस्तान देखे वो सामने है। अच्छा अच्छा मुगलिया दौर रहा है, जिन्होंने 300 साल यहाँ पर हुक्मरानी की है और उनकी जो जगह है एक ही जगह पर आपको जो है यहाँ पर गुरुद्वारा भी मिलेगा, बादशाही मस्जिद भी मिलेगा, अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का जो मज़ार है और इसके साथ साथ ये इसके सैन मुसलिक किला है वो भी हम लोग देखने की कोशिश करें। गुरुद्वारा में शायद एंट्री ना हो, मस्जिद जुमे को हम मस्जिद में आज के जुमे की नमाज भी हम लोग पढ़ेंगे और आप हमारे साथ होंगे और आप हमारे साथ हैं। आप सबको जो है दुआओं में
याद रखेंगे। अभी आपने ये दरवाजा क्रॉस करना है, राइट साइड में वो सामने मस्जिद का दरवाजा है, ठीक है, वहाँ पर शूज है 10 या 20 रुपए दीजिएगा उनको, टोकन लेनी है, अंदर दाखिल है, ब्लूशन खाने, वुजू खाना, बैठ के एंजॉय करके वापस आ, ठीक है। अच्छा अंकल, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया, थैंक यू आपका, अल्लाह हाफिज़, मेहरबान, थैंक यू, अल्लाह। जी जनाब, ये हमने शाही किला का विज़िट किया और आप भी हमारे साथ रहे और आपने देखा शाही किला को। अब हम आगे चलते हैं बादशाही मस्जिद की तरफ, नमाज भी अपना अदा करते हैं और अल्लाह को याद करते हैं। जुम्मा का दिन है, देख रहे होंगे ये बादशाही मस्जिद का अहाता है, एरिया है ये इसका मेन, यहाँ पर आपको गेट नज़र आ रहे होंगे, सामने से वहाँ एंट्री करेंगे हम लोग, जाएंगे जुम्मा नमाज का, वहाँ पर खुतबा हो रहा है और यहाँ आपको मेन गेट इसकी नज़र आ रही होगी, इसका मेन गेट है। हम आगे जाएंगे इस रास्ते से बादशाही मस्जिद की तरफ और यहाँ पर अलामा इकबाल का रहमतुल्लाह का मज़ार भी यहाँ पर मौजूद है, तो हम नमाज आज पढ़ेंगे, नमाज जुम्मा स्टार्ट है, तो आगे चलते हैं और बादशाही मस्जिद जो आपके सामने है दिख रहा है आपको, आप उसको देख रहे हैं, उसके सामने उसका वो जगह है और इंशाल्लाह ताला आपको तो जो है बादशाही मस्जिद में दिखाएंगे। मेरे बैक में अकब में आप बादशाही मस्जिद का मेन गेट देख रहे होंगे, हम इंटर होंगे और इसको मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे और आप ये और ये मैंने अपने, ये है बादशाही मस्जिद जो कि जुमे का दिन है और बादशाही मस्जिद में आया हूँ जुमा नमाज अदा करने के लिए और आप सब दोस्तों के लिए दुआएं भी करेंगे। जुमा नमाज का जो है खुतबा चल रहा है और इबादत चल रहे हैं, तो मैं आगे जाकर जो है मस्जिद की तरफ से जा रहा हूँ, मस्जिद पढ़ूँगा और यहाँ पर अच्छी खासी रश नज़र आ रही है जुमे के दिन नमाज के हवाले से। ये वो बादशाही मस्जिद है जो कि मुगलिया दौर और मुगलिया सल्तनत का एक शाहकार है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, ये आपके सामने है, आप इसे देख सकते हो और यहाँ पर उसके मीनार, आपको चारों तरफ से एक खूबसूरत एक मस्जिद है और इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए हमारी और हमारी गवर्नमेंट की इस पर तवज्जो और आवाम की तवज्जो की अशद ज़रूरत है। तो
अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो काली इसको यहाँ सब्सक्राइब करें और जो है इसके बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको वीडियोस पहुंचे। थैंक यू।